हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज मैं दाल खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो आपको बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, स्किप मत करिए। तो मैंने प्याज ले लिया है, तो प्याज मैंने इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया है, और टमाटर मैंने ले लिया, और कड़ी पत्ता और हरा लाल मिर्च ले लिया। तो इस तरह से ऑयल में उसको फ्राई करने का, प्याज थोड़ा रेड हो जाएगा। इसके बाद इसमें दाल डाल देने का। मैंने टूअर दाल लिया है, मतलब अरहर का मैंने दाल लिया है। तो आपको जिस चीज़ का बनाने है उस चीज़ का दाल ले सकते हैं। मैंने अरहर का लिया है, तो मैंने अरहर का दाल मतलब टूअर दाल मैंने लिया है और उसके अंदर डाल दिया है। और उसी टाइम आप चावल भी डाल दिए। मैंने चावल पहले से धो के रखा है, तो मैंने इसमें चावल डाल दिया है। तो चावल भी इस तरह से डाल देने का। और चावल डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देने का। इस तरह से मैंने पूरा चावल हो गया है, और उसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने का। मिक्स करने के बाद इसमें हल्दी मैंने डाल दिया है। हल्दी आपको जितना चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप हल्दी डाल सकते हैं, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार, आपको कितना नमक चाहिए उसके हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। नहीं तो थोड़ा डालने के बाद में भी आप डाल सकते हैं, तो आप जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा मैंने गरम मसाला डाला है टेस्ट के लिए, या चिकन मसाला भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने गरम मसाला डाला है, तो इस तरह से मैंने एवरेस्ट का गरम मसाला डाला है, आप भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से गरम मसाला और नमक और हल्दी सब डाल दिया है, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेने का। और आप कलर के लिए चाहिए तो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो मैंने डाला नहीं है, क्योंकि मैंने हल्दी पीला कलर में बनाना है, येलो कलर में, तो मैंने हल्दी डाला बस। और इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेने का। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही करने का, क्योंकि जब भी आप, तो इस तरह से 2 से 3 मिनट तक ऐसा घुमा देने का। और इसके बाद इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो आप जितना भी मसाला है आप सब पहले ही मिला ले लीजिए। गरम मसाला चाहिए तो गरम डाल लीजिए, तो और इसके बाद उसमें पानी डाल लीजिए। तो पानी उतना इसमें डालना कि चावल से ऊपर आना चाहिए। और आपको खिचड़ी जैसा बनाने का है, ज़्यादा पानी वाला खिचड़ी बनाने का, तो पानी ज़्यादा डालिए। और हम लोग पानी ज़्यादा मतलब खिचड़ी में खाएंगे, खाना चाहते हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से बनाए हैं। तो इस तरह से उसके बाद में 10 से 15 मिनट पकाने का, उसके बाद आपका हो जाएगा। ऊपर हरा धनिया डाले, तो इस तरह से हमारा भी खिचड़ी तैयार हो गया दोस्तों।